बाबा जी बचा बाबा जी हाँ? मैनू ना कोई ऐसा तबीत दियो के मस्जिद से पंखा मैं उतारू टेंड तुहाडी हो जाए। ओ साई ये बबली भाई का क्या हाल कर दिया इस बाबे ने। ओ तू कौन है इंसानों के साशे और तू कौन है पढ़ाई के खिलाफ बंदे बंदा फर फर पड़ता है अली बेटे से ये कौन है अली बे और साईं तुम्हें अपनी पड़ी है ये हमारे बबली भाई है इसने तमीज दिया उसका देखो क्या बना दिया। ओ नहीं नहीं ला एडा भी मैं साईं नहीं ओ बबली दा ते एडा कादा। ओ भाई मैं झूठ बोलूं मुझे बड़ा होना नसीब ना हो खाना खराब होवे बाबा पूरे घर नु मैं की कहंगा कहेंगे बबली दा पाल ले। मेरा क्या कसूर है बाबा जी ने तवीज किया उल्टा पड़ गया मुझे क्या पता था। अब यही हो सकता है कि मैं अपने मुर्शिदों के पास जाऊंगा वो आगे से अपने मुर्शिदों के पास जाएंगे वो आगे से अपने मुर्शिदों के पास जाएंगे अगर कोई अपने मुर्शिदा तकर पहुंच गया तो काम हो जाएगा नहीं तो इतना ही रहेगा। बाबा जी हाँ आपके कहने का मतलब है कि आपकी तरफ से हम ना ही समझे। बाबा जी आपके पास इतना इलम है हाँ जी कोई जिन आपके वाकफ है हाँ हाँ कोई जिन ऐसा नहीं जो नाई हो और आपके बाल काट दे। बाबा सार के भस्म कर देगा। बाबा जी बाबा जी मैनु ना कोई ऐसा तबीत दियो कुड़िया नू मैं छेड़ा छितर तुहानू पैर। बाबा जी हाँ मैनू को ऐसा तबीत दियो के एसी मैं चलावा बिल तुहानू आ जाए। बाबा जी मैनू को ऐसा तबीत दियो के मौत मेरी होवे आ तैनू जाए। तू की चाहना है के मैं कब्र दे विच जाके बिच्छुआं दे नाल आप लड़ाई करा मैनू कब्रस्तान जान दी लोड़ नहीं एथे ही ने ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। सोचो बेवकूफो जेड़े बाबे नु जाके तुसी कहंदे हो बाबा जी मेरा मसला हल कर दियो बाबा जी मेरी किस्मत बदल दियो ओ जेड़ा बाबा आप अल्लाह दे आसरे ते बैठा उने तुहाडी किस्मत की बदल दी। बेटा जी मुझे समझ आ गई है। सियाने कहते हैं कि जो बंदे से मांगेगा फिर वो बंदे बंदे से मांगेगा और जो अल्लाह से मांगेगा वो किसी से नहीं मांगेगा। ओ प्राणे आया आप अपने घर जाएं प्लीज प्लीज जाके कोई काम करें। अच्छा मेरा घर मत कहा करो वो तुम्हारा भी तो है। वो किसी पाखंडी बाबे की बदुआ चले जाओ। बच्चों को ना ट्यूशन से लाने का टाइम हुआ है जाओ अपने बच्चे ले आओ जाओ। बकवास कर रहे हो किसने और मेरी बेटी है तो मेनू तू ये दस दे आप अपनी बेटियां ब्याहते नहीं। कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली आ जाए इधर को आ जगलमान मनमान कल खजल पांडे टींडे साम लाओ ओ आगे बदल आ जा चिट्टी की है की इधर कुछ भी नहीं तू ऐसे देखी जा यानी तू मेरा टाइम खराब कर रहे की
वो पीछे हो जा की है उधर की है सी पार्टी के लोग बड़े चंगे लोग तुसी चाहते हो कि ताड़ी हकूमत दोबारा आ जाए ते थानू मैं एक ऐसा तवीज देंगा जेड़ा मेरे मुर्शदा ने मैनू दिता मेरा ते काम नहीं होया तो अड़ा शायद हो जाए बच्चा जेड़ा जेड़ा भी चाहता मैं तेरे नाल वादा करके गया सा कि मैं तेरे वास्ते कोई तवीज लेके आवांगा तुहाडे मुंडे दा मसला हल करके जा अल्लाह दे बंदिया उसमें तो हमें नुकसान हो गया है क्या हो गया मेरा चंगा भला शी वर्गा जवान सीमट का गट्टू बन गया है वही तो हल निकालना है हमने बाबे किस मर्ज की दवा है तुमको मैंने कहा था कि मैं अपने बाबा जी के पास जाऊंगा हां तो नहीं बिल्कुल पीछे हो जा उधर चले जाओ खड़े हो जाओ नीचे बैठो नीचे खड़े हो जाओ ये बाबा बेवकूफ है मेरी बात मानने जा रहा है यही तो तुम लोगों की गलती है कि अपना कुछ नहीं बनाते बाबा जी एक मिनट बेटा ये मेरी बेटी है मेहरू अच्छा इसको गाने का शौक है कोई ऐसा तवीज करो कोई ऐसा अमल करो हाँ इसका गला बंद हो जाए अखियां नूरेन दे सुना सुना अखियां नूरेन दे चल हुण गाने नु भी रहन ही दे ये बच्ची तुम्हारी गाना गाती है इसको गाना पूरा भी आता है नहीं हमें पता है इसको गाना पूरा आता है मुझे ये अक्सर थोड़ा सा गा के चुप हो जाती है ये बाबियों का इल्म है मैं आपको सुनाऊं सुनाओ देखने दचो सनू मुझे गाना ही नहीं आता उस्ताद जो है उसकी बात कर रही है हाँ हाँ तो उसको गाना ही नहीं आता बेटा इस तरह नहीं कहते उस्तादों की हमेशा इज्जत करते हैं उस्ताद तो माँ बाप से भी आगे का मकाम रखते हैं ये बात है और मैंने तेरे उस्ताद को सुना भी है देखा भी है ये बात है अल्लाह मुझे माफ करे कहना तो नहीं चाहिए बिल्कुल बेकार आप सर आपको पता है मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी आपको पता है मुझे ना पॉलिटिक्स में आने का बहुत शौक है ये तवीज लेके गए हैं वो ले लें आप भी तवीज के जरिए आए थे ये उन्होंने दिए अभी का शायद मैंने कहा आपके काम आ जाए हमारे तो आना नहीं है